ऑफिस की टेबल पर कोहनी टेक कर बैठने की आपकी आदत जरूर होगी, जिसकी वजह से कोहनी काली पड़ जाती है। और अगर आपकी कोहनी भी पड़ गई है काली, तो आप हमारे इन घरेलू उपायों को अपनाकर अपनी कोहनी के कालेपन को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, नींबू। नींबू के कई घरेलू इस्तेमाल तो आप जानते ही होंगे, ऐसा ही नींबू का एक कमाल हम आपको बताने जा रहे हैं। नींबू के छिलकों पर ब्राउन शुगर या नॉर्मल शुगर को कोहनी पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे 15 मिनट तक रगड़ें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो शुगर का इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ नींबू का रस या फिर शहद भी लगा सकते हैं। दूसरा उपाय, कैस्टर ऑयल। 5 से 6 बूंद कैस्टर ऑयल लें और उसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस मिक्स कर लें। सोने से पहले इस मिश्रण को हफ्ते में एक बार अपनी कोहनी या घुटनों पर लगाएं। इसे करने से जल्द ही आप अपने कोहनी के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा उपाय, जौ का आटा। सूजी और जौ का आटा लें, उसमें हल्दी पाउडर, चंदन पाउडर और मसूर की दाल को दूध या दही के साथ बारीक पीस लें। इस पेस्ट को अपनी कोहनी पर लगभग 20 मिनट तक लगाए रखें। 20 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लें और फिर ड्राई टॉवल से पोंछ लें। ऐसा करने से आप कुछ ही हफ्तों में अपनी कोहनी के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल HSB News को सब्सक्राइब करें।